यस, गुड आफ्टरनून क्लास 9th, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। पता चल रहा है कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, और क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है, कुछ बच्चे नाम तक लिखते हैं, तो बेसिकली आप लोग क्वेश्चंस जो लेवल 1 हम कर रहे थे इन प्रीवियस क्लास, इट वॉज कम्प्लीटेड। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल 2 एंड लेवल 3 ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, व्हिच इज सिंगल करेक्ट, यू नो वेल। सो लेट्स गाइस स्टडी अबाउट द लेवल 2 एंड लेवल 3, एंड दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके, व्हिच यू कैन राइट इट इन टू और थ्री और मोर देन टू और थ्री सेंटेंसेस। सो लेट्स डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेवल 2 एंड लेवल 3, ओके ओके ओके। यू कैन सी हियर अबाउट द मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट, ओके, इट इज लेवल 2। यू कैन सी हियर मेरिस्टेम्स आर डिफाइंड एज वॉट। मेरिस्टेम्स आर डिफाइंड एज योर सोल्यूशन विल बी ए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है गाइज, ये लेवल 2 का आप क्वेश्चन और इसका आंसर आप देख सकते हैं। मेरिस्टेम्स आर डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, ओके। नाउ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओके। एपिथेलियल का टिश्यू का ये एक फंक्शन नहीं है, ये कार्य नहीं है, तो आप इसमें इसका आंसर होगा डाइजेशन। व्हाई? बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ओके, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन, यू स्टडीड। सो उसी में से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, योर आंसर शुड बी सी, डाइजेशन। कार्टिलेज, ओके, कार्टिलेज क्या है? एक कार्टिलेज इज वीक एंड फ्लेक्सिबल, यस, कार्टिलेज इज वीक एंड फ्लेक्सिबल। हैज न्यूमरस हाइवर्शन कैनल्स, नो। इज स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, नो। हैज ऑशियन प्रोटीन, डेफिनेटली नॉट, ओके। सो योर आंसर शुड बी इज वीक एंड फ्लेक्सिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2, ओके। सो ट्रैक्यूट्स ओकर इन, ट्रैक्यूट जो होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, आपने पढ़ा था इसको, कैम्बियम में, नो, फ्लोएम, नो, वैस्कुलर बंडल, नो। सो द राइट आंसर शुड बी बी, जाइलम, ओके। सो दिस आर द लेवल 2 क्वेश्चंस, ओके। नाउ लेट्स कम टू द लेवल 3, वी विल डिस्कस इट। ध्यान से देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पॉइंट व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेवल 3, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मसल्स इम्यून टू फैटिक आर कार्डियाक। कार्डियाक मसल्स होता है ना, जो फैटिक के लिए इम्यून प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रिप्ड, नो। अनस्ट्रिप्ड, नन ऑफ दिस, ये तो होगा ही नहीं। तो कार्डियक मसल होता है, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रिप्ड मसल्स हैव व्हाट? स्ट्रिप्ड मसल्स हैव वन न्यूक्लियस, नेवर, मेनी न्यूक्लियाई, ओके, यस, मेनी न्यूक्लियाई स्ट्रिप्ड मसल्स में होते हैं। आंसर, योर आंसर विल बी बी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रिप्ड मसल्स आर अटैच टू बोन्स एक्सेप्ट इन टंग, है ना। स्ट्रिप्ड मसल्स कहाँ अटैच, नोज में अटैच होते हैं, बिल्कुल, पिन्ना, जॉ, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो मसल होता है वो क्या होता है, जॉ होता है, ठीक है, जॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका क्या हो जाएगा आंसर, टंग। क्वेश्चन नंबर 4, द हॉर्न्स ऑफ राइनोसेरस आर कंपोज्ड ऑफ, जो राइनोसेरस के जो सिंग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं,
वो केराटिन से बने होते हैं, किससे, केराटिन। बी बोन 9, चितिन 9, कार्टिलेज 9। ओके योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, कैराटीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन्यूक्लिएटेड ओके बाय सीव ट्यूब। ओके योर आंसर विल बी ए, सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल तो होगा ही नहीं, स्क्लेरेनकाइमा भी नहीं होगा, ट्रैकिड नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। ग्लैंड्स दैट सिक्रीट्स बाई शेडिंग द एंटायर सेल्स लाइक सेबैकियस ग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चा, तो ये है होलोक्रीन ग्लैंड का, अभी पढ़ा था आपने, होलोक्रीन ग्लैंड का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्लैंड वो जो सिक्रीट करता है शेडिंग द एंटायर सेल्स को, जिसको सेबैकियस ग्लैंड, ठीक है, सेल्स लाइक सेबैकियस ग्लैंड एग्जाम्पल है होलोक्रीन ग्लैंड। ओके सो ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 था। ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो कि सब्जेक्टिव होगा। हमने कहा था ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाटर हायसिंथ फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, वाई। ओके तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। सो इन दिस क्लास आपने लेवल 2 और लेवल 3 पढ़ लिया, तो आई होप कि उसमें से एक सब्जेक्टिव था, बाकी सब मल्टीपल चॉइस थे, तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ओके सो जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ओके ओके दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास गाइस, थैंक यू।